वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल फिजिक्स विद ओमदेव। आइए आज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी को बिलोंग करता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, आईआईटी जेई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन द गिवन सर्किट चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बी। जो ये कैपेसिटर इसमें लगे रखे हैं उसमें 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा ये हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। अच्छा कैसे करें इसमें, ये पूरा सर्किट एनालिसिस हमें करना है। इसमें देखते हैं कैसे सीरीज पैरेलल को समझेंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन किया कैसे जाए तो ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं इसको, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए था, ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से देख पाएं, तो बायलिंगुअल लैंग्वेज में इसमें यूज करूंगा। हिंदी में भी एक बार इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ कि एक ही परिपथ दिया हुआ है, उसमें 4 माइक्रोफेराड जो कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफेराड का जो संधारित्र है उसके ऊपर आवेश पूछा गया। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये 5 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड ये दोनों मेरे को पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पैरेलल में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के पैरेलल को हटा के इनका इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। तो 5 और 1 पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 1, अपने पास ये बन जाएगा 6 माइक्रोफेराड। अच्छा सा, अब ये 4 और 6 ये दोनों कैसे हैं सीरीज में। अगर ये सीरीज में तो सीरीज में क्या हो जाएगा, 6 × 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए अपॉन 6 + 4 = 10, तो 6 × 4 = 24 यानी 2.4 / 10 यानी 2.4। अब हमें पूछा कि भाई 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर क्या क्रॉस कैपेसिटी सॉरी चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा Q = C × V, ये मेरे पास होगा। तो जो चार्ज इस पूरी ब्रांच में होगा वही चार्ज तो 4 माइक्रोफेराड में होगा। क्यों भैया, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। अच्छा सीरीज में कैसा होता है, बिल्कुल सा वैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे सेम जाएगा। तो देख लेते हैं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, इस पूरी ब्रांच में निकाले लेते हैं, Q = CV और Q = C, सी हमारे पास आ गया है 2.4 और ये मेरे पास है 10 वोल्ट का, तो 10 यानी Q = आ गया 24 और माइक्रो में था तो माइक्रो कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24 माइक्रो कूलाम, इतना चार्ज होगा इस 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के ऊपर। तो आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी जेईई में। बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट आप पकड़िए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है लगाया है इसमें। पहले सीरीज पैरेलल को एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद उसको सॉल्व कर दिया। तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।